आजमगढ़ के ग्राम सभा सोफीपुर पोस्ट माधवपुर धरांग में भारतीय जनता पार्टी के माननीय अनिल राजभर कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार एवं आजमगढ़ जनपद प्रभारी मंत्री बनाए जाने पर प्रथम आगमन पर संजय राजभर की आवाज़ पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन किया गया। इस स्वागत कार्यक्रम के संचालन मंडल अध्यक्ष रजनीकांत त्रिपाठी के द्वारा किया गया। संजय राजभर ने कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर जी को श्री राम सीता जी का सुंदर तस्वीर एवं अंग वस्त्र देकर सम्मानित किए, तो वहीं दूसरी तरफ प्रधान राजकुमार राजभर ने श्री रामचंद्र जी का अयोध्या का भव्य मंदिर का तस्वीर देकर सम्मानित किए। कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि आप लोग मोदी सरकार का परिवार बने, सदस्यता अभियान में सम्मिलित हों और भाजपा का सदस्य जरूर बने, और आए हुए सभी लोगों का तहे दिल से आभार व्यक्त किए और धन्यवाद दिए। इस मौके पर जिला अध्यक्ष सूरज प्रकाश श्रीवास्तव, संदीप उर्फ सोनू सिंह, शोभनाथ राजभर, सभाजीत राजभर, VDC गुलशन राजभर, रिंकू राजभर, प्रधान काशिफ अंसारी, जिला मंत्री आशीष गौड़, दिलीप राजभर, कांता राजभर, बिहारी राजभर, मनोज राजभर, प्रवेश राजभर, सर्वेश राजभर और भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, पवनपुर न्यूज, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश। संजय राजभर जी के घर आने का कार्यक्रम था और मुझे पहले से कतई पता नहीं था कि यहाँ मंच लगा है, माइक है और टेंट लगाए हैं। एक तरीके से पूरा एक चौपाल का रूप आप लोगों ने इस कार्यक्रम को दे दिया है। का सर्वांगीण विकास हो, इस बात की जिम्मेदारी आज के बाद अनिल राजभर के ऊपर रहेगी। आप सभी लोगों से मेरा अनुरोध है, पता नहीं आज कोई पत्र पुत्र आप लोगों ने बनाया है कि नहीं बनाया है, कोई मांग पत्र बनाया है कि नहीं बनाया है। अगर बनाया होगा आप लोगों ने तो मैं दे दूंगा, और जो भी आप लोगों के आदेश निर्देश होंगे, गांव की जनता का आदेश होगा, हमारी मां बहनों का आदेश होगा, उसका हम लोग पालन करेंगे। अगर कोई मांग पत्र नहीं बनाया है आपने तो मैं आग्रह करता हूं कि गांव के जितने भी सम्मानित लोग हैं आपस में बैठकर गांव के विकास का कोई भी पैमाना आप तय कर दें, उस पैमाने पर खरा उतरने की जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ जी की सरकार की होगी और अनिल राजभर की होगी। आज के बाद से एक बढ़िया बेहतर तरीके से आपस में चर्चा करके, विचार विमर्श करके और सभी वर्ग के लोगों से मिलकर, चाहे अगड़ा हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे दलित हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे जवान हो, चाहे माताएं बहने हो, सबसे मिलकर आपस में राय मशवरा करके, आपस में चर्चा करके, फिर यहां के गांव के विकास के संदर्भ में एक बढ़िया मांग पत्र बनाइए और हमको दीजिए। ये इस गांव के लोग जो चाहेंगे और जैसा चाहेंगे वैसा विकास उत्तर प्रदेश की सरकार आपके गांव में कराएगी। आज होने का एक बेहतर मौका और अवसर पार्टी ने आपको दिया है, तो गांव के लोगों को भी आप पार्टी का सदस्य बना दें, मोदी जी के परिवार में उनको भी शामिल करें, भारतीय जनता पार्टी के परिवार में उनको शामिल करें। मैं इस बात का आप सब लोगों को आग्रह भी करता हूं।